जालियों के अंदर जो घर नजर आ रहा है यही हजरत फातिमा और हजरत अली का घर है, जिसमें हजरत फातिमा, हजरत अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन रहते थे। आंगन में कुआं देख सकते हैं, ये वही कुआं है जिससे हजरत फातिमा, हजरत अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन पानी पीते थे। और मेरा ये दिल कहता है कि इस कुएं से हमारे नबी ने भी पानी पिया होगा, क्योंकि जब आप हजरत फातिमा के घर तशरीफ लाए होंगे तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर इस कुएं से पानी पिए होंगे। मेरा विज़दान ये भी कहता है कि इसका पानी आज भी नहीं सूखा होगा। अगर कोई मदीना आए तो यहाँ की ज़ियारत ज़रूर करने आए, क्योंकि ऐसी जगह बहुत ही कम बची है। देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत घर है। ये घर खूबसूरत हो या ना हो, पर इसमें रहने वाली जन्नती औरतों की सरदार थी। इसमें रहने वाले दुनिया के सबसे बहादुर इंसान, मुसलमानों के खलीफा, दमादे रसूल, सहाबिय रसूल, शेर खुदा हजरत अली थे, और जन्नती मर्दों के सरदार इमाम हसन व हुसैन रहते थे, जिनकी वजह से ये घर दुनिया के सबसे खूबसूरत घरों में से एक है।